आगे बात। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं गांव बरसोला में और यहां पर भाई जनहित विकास परिषद हरियाणा से जो संगठन है जींद और आसपास के एरिया में काम कर रहा है। आज बड़े बुजुर्ग और जो गरीब महिलाएं थी उनमें कंबल बांटे गए हैं जनहित विकास परिषद द्वारा। तो आइए जो इनके संयोजक हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। भाई आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो और ये पूरा मामला क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपका आज बरसोला में कार्यक्रम था कंबल बांटने का, वो किस प्रकार से था और आपने किन किन को कंबल बांटी हैं? आज समाज सेवी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी दिवस पर जनहित विकास परिषद, हर साल की बात थी, अब की बार भी हमने कार्यक्रम किया है। हम पिछले 5 सालों से हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और लगभग हर साल 500+ कंबल हम गरीब जरूरतमंद को देते हैं। गरीब को नहीं कहेंगे बल्कि जरूरतमंद लोगों को हम देते हैं गांव-गांव में जाके। आज इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत बरसोला से की है और अब हमारा 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो भी हमने सर्दी में ऐसा है लोग मिलेंगे उनको हम कंबलों से सहायता करेंगे संस्था हमारी, और संस्था के सभी पदाधिकारी इसके लिए सक्रिय रहेंगे। रात को भी ये घूमते रहते हैं सड़कों पर, कहीं कोई साथी मिल, कोई बुजुर्ग मिल जाए या कोई भिखारी मिल जाए जो ठंड में ना मरे, ठंड से बचाने का हमारा एक प्रयास रहता है। दूसरा, हम ये नहीं कहते कि हम गरीबों को दे रहे हैं जी। हम कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। आज हमारी संस्कृति पश्चिमी देशों की तरफ जा रही है, माँ बाप अलग बैठे हैं, बेटा बेटी अलग बैठे हैं जी। तो बुजुर्गों को एकांत सा महसूस होने लग गया है। इसी कड़ी में हमने इस कार्यक्रम का नाम भी बिल्कुल बुजुर्ग सम्मान समारोह दिया किया है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आज तो हमने ये शुरुआत थी फंक्शन किया है, नहीं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम घर जाते हैं, उस बुजुर्ग के पास जाते हैं, उसको घर पर ही सम्मानित करते हैं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम केवल सिंह जुलानी है जी। जी सुरेश जी, कितने सदस्य जुड़े हैं जो आपका ये संगठन है जनहित विकास परिषद? जी हम तो 1992 से मतलब पूरे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, जैसे युवा हर गांव में 304 गांव में पूरे टीम थी, तो वही टीम हमारी आज तक जुड़ी हुई है। अब ये जन युवा परिषद भी हमने बढ़ा रखी है अपने जनहित में, तो इसमें अपने सक्रिय हैं केवल जी जुलानी जी। जब भी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमारे हजारों की संख्या में युवा नुकेनु जुड़े हैं जी, तो हम हर उस पे मदद करते हैं। प्रदीप जी हमारे सर, और क्या काम करते हो आप? जैसे अभी तो कंबल बांटने का काम कर रहे हो, इसके अलावा और समाज सेवा कुछ? सर हम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या कहीं भी कोई भी सामाजिक बुराई जिस गांव में जैसे नजर आते है वहाँ भी चेतना देने का काम करते हैं, और जैसे बच्चों के लिए स्कूल में प्राइमरी जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, बच्चों को प्रोत्साहन करना और बच्चों को स्वेटर वगैरह भी हम वितरित करने की पूरी वो करते हैं जी। और अब पीछे हमने टीचरों का भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया था जी। और सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आज समाज में बुराई बढ़ती जा रही है लेकिन आप संघर्ष कर रहे हो एक जनहित विकास परिषद के नाम से संगठन बनाकर? जनहित विकास परिषद ट्रस्ट का उप प्रधान होने के नाते सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। हमारी संस्था जो है लगभग 20-22 सालों से हम ये समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं जी। और 250-300 हमारे एक्टिव मेंबर हैं जिसमें कुछ पदाधिकारी भी हैं। पूरा साल हमारी संस्था की तरफ से शहर में आसपास प्रोग्राम चलते हैं, शहर में त्रिवेणी लगाना और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हवन करना जी। इस प्रकार के हमारे सामाजिक प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसके द्वारा हम ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ जो है ठीक ही हो जाएगा, लेकिन जो हमारा छोटा सा प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, उसमें हम ये चाहते हैं कि जितना हम योगदान दे सकते हैं समाज की भलाई में हम दें और हमारे को देखो लोग प्रोत्साहित हों, किसी को देख के हम भी प्रोत्साहित होते हैं जी। हमारे छोटा सा प्रयास है कि हर तरफ जो है ना वो सामाजिक भाईचारा बने और कोई भी समाज में दुखी ना रहे जी। आपका नाम क्या है? मंगल सिंह जी। जी चलो चलो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल हम लोग गांव बरसोला जिला जींद में।